सापक्ष पार्टी ने तांडव फिल्म को लेकर प्रकाश जावड़ेकर का पुतला दहन ज्योति चौराहे पर किया। हेडलाइन 24 से संतोष योगी। शुक्ला सपाक्ष पार्टी प्रदेश अध्यक्ष। सर आज आज तांडव ऑब्वियसली जारी है, जो आज की डेट में धर्म के हिंदू धर्म अधिकतर देखा गया है कि इस तरीके की पिक्चर लोग बाग निर्देशक बनाते हैं जिससे उनकी पिक्चर हिट हो और देश में लोग बाग माहौल पैदा करते हैं। इस तरीके के माहौल को सारे लोग निर्देशक लोगों पर बैन लगाया जाए, किसी भी धर्म के किसी भी देवी देवता इस तरीके की पिक्चर ना बनाए, वेब सीरीज ना बनाए जिसके ऊपर इस तरीके से देश में एक आतंक का माहौल पैदा हो। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए और उनके FIR की जाए, जिससे इसको पता चले कि देश में इस तरीके की पिक्चर बनाने वाले वेब सीरीज बनाने वालों के लिए क्या माहौल पैदा हो। इस तरीके से लोगों को तत्काल प्रभाव से बैन किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। सर इस प्रकार प्रदर्शन आंदोलन से पिक्चर और हिट हो जाती है, क्या ये पब्लिसिटी करनी है? ये जो पिक्चर बनाते हैं वेब सीरीज ये बनाते हैं, लेकिन मेरा यही कहना है कि क्या मंत्री जी से प्रकाश जावड़ेकर मंत्री से कि इन सभी चीजों पे बैन लगाए जाए। सर इस पूरे मामले को लेकर सेंसर बोर्ड दोषी माना जाए, ऐसे सेंसर बोर्ड को संज्ञान में लिया जाए और सेंसर बोर्ड को सबसे ज्यादा दोषी माना जाए कि इन सब चीजों पे सेंसर बोर्ड उस पर अब तक क्यों बैन नहीं लगाया। और मैं इसीलिए जावड़ेकर महोदय का पुतला दहन कर रहा हूँ और अब्बास अली का पुतला दहन किया है इसीलिए, क्योंकि जब जो व्यक्ति निर्देशक इस तरीके पिक्चर बना रहा तो सेंसर बोर्ड को क्यों मान्यता देता है? और आगे किस तरीके अगर ये इस तरीके के बंद नहीं होता है तो सपाक्ष पार्टी इसी तरीके का पुतला दहन करेगी, विरोध करेगी और FIR भी कराएगी अगर ये अपने आप में सही नहीं हुए तो। मुद्दे साहब है, लगातार वेब सीरीज के माध्यम से धर्म के ऊपर, हिंदू सनातन के ऊपर जो बार बार अपमानजनक टिप्पणियाँ हो रही हैं, अभद्रता हो रही है, हमारे देवी देवता का अपमान हो रहा है, उसके खिलाफ सपाक्ष पार्टी युवा मोर्चा और सपाक्ष पार्टी ने एक समृद्ध रूप से पुतला दहन किया है। हम चाहते हैं कि सूचना मंत्रालय से यह आदेश जारी हो आगे से इस तरह के चित्रण में धर्म का अपमान नहीं हो। ये आज हमारी सिर्फ एक पहली मुहिम है, पहली पहल है, अगर इस तरह से इसमें रोकथाम नहीं की गई तो आगे से उग्र आंदोलन होगा। सर इस पूरे मामले को लेकर सेंसर बोर्ड दोषी है? बिल्कुल मुख्य रूप से वही है। तो पिक्चर बनने से पहले सेंसर बोर्ड इसको देखता है फिर रिलीज करता है, तो कहाँ है वो नियम? सबसे पहली बात कि वेब सीरीज जो है और जो OTT प्लेटफॉर्म होते हैं वो सेंसर बोर्ड में अधीन नहीं आते हैं। पहली मांग तो यही होनी चाहिए हमारी कि वो उसके अधीन आए, उस पर सेंसर बोर्ड का कंट्रोल हो। सपाक्ष पार्टी मांग भी करती है, वर्तमान में हिंदू सपोर्टर पार्टी कहे जाए जो अभी वर्तमान में सरकार चला रही है, उस पार्टी को तो इस तरह देवी देवता अपमान कैसे आप उसको आदि चल के आंदोलन करेंगे? एक सिर्फ प्रोपेगेंडा है कि BJP हिंदू समर्थक है, कहाँ है? आज बार बार हिंदू का अपमान हो रहा है, हिंदू देवी देवता का अपमान है, कहाँ सो रही है ऐसी पार्टी जो बार बार बोलती है कि हम हिंदुओं के सपोर्ट में है, हिंदू धर्म का समर्थन सपोर्ट करते हैं, सम्मान करते हैं, कहाँ है वो? क्या कभी कोई मस्जिद पे फिल्म बनी है सेंसर बोर्ड उसको पास करेगा? बिल्कुल नहीं। तो इस प्रकार हिंदुओं के ही देवी देवता बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि वो मौन होते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं, उन्हें समझा लिया जाता है। आज जरूरत है उन्हें इस बात पे आवाज उठाने की, विरोध करने की, हर स्तर पे जाने की। क्या हमारा हिंदू बटा हुआ इसी का फायदा उठाया जा रहा है? बात हिंदू बटने की नहीं है, बचना है कि वो मौन है, आज उसे आवाज उठाने की जरूरत है, हिंदू एक है। देश में इतने बड़े देवी देवताओं पे आरोप लग रहे हैं, आश्रम जैसी मूवी रिलीज हो रही है, देश की धरोहर को बदनाम किया जा रहा है और हिंदू मौन है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कि BJP जैसी पार्टी, BJP के नेताओं ने उन्हें बेला बुझा लगा है, वो वादे करते हैं, वादे पूरे नहीं होते। सपाक्ष पार्टी सत्ता में आती है तो क्या ऐसे मामलों पे तत्कालीन कार्रवाई करेगी? अवश्य, क्यों नहीं, यही करेंगे। मैं ऋषि मिश्रा, सपाक्ष पार्टी जिला कार्यकारी अध्यक्ष भोपाल। सर आज जो प्रदर्शन हुआ है तांडव को लेकर विरोध किया है, इस तरह के प्रदर्शन अक्सर होते रहते हैं लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होती, आप आगे क्या कदम उठाएंगे इस विषय को लेकर? ये अब्दुल अब्बास जैसे फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो तांडव जैसी
वेब सीरीज जो बहुत ही घटिया किस्म की वेब सीरीज है, जो कि सीधे सीधे हिंदू आस्था और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने के उद्देश्य से ही बनाई गई है। तो सबसे पहले तो हम इनकी अब्दुल अब्बास जैसे घटिया प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को बिल्कुल हम लोग बहिष्कार करते हैं। आज हमारी सपाक्स पार्टी ने उनका पुतला दहन किया है और आगे हम लोग चेतावनी भी देना चाहते हैं कि ऐसे वेब सीरीज पे बिल्कुल प्रतिबंध लगाया जाए। और हम आपके माध्यम से जो है पूरे भारत की जनता से ये मांग करते हैं कि ऐसी वेब सीरीजों का बिल्कुल बाइकॉट करें और अमेजोन जैसे संस्था का जो है बिल्कुल वो लोग बाइकॉट करें। नाम बताइए सर। ऋषि मिश्रा, सपाक्स पार्टी, जिला कार्यकारी अध्यक्ष, भोपाल।